नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर। आईपीएल 2021 के 37वें मैच में पंजाब किंग्स ने रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 5 रनों से मात दी। इसी के साथ हैदराबाद प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गया है। आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 126 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में हैदराबाद निर्धारित ओवर में 120 रन ही बना सकी। इस हार के साथ ही हैदराबाद प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गया है। इस टीम की सीजन 9 मैचों में यह 8वीं हार है। अगर हैदराबाद के इतिहास पर थोड़ी नजर डालें तो 2013 से इस फ्रेंचाइजी ने 8 सीजन में कुल 6 बार प्लेऑफ में जगह बनाई। 2016 में डेविड वार्नर की कप्तानी में टीम ने खिताब भी जीता था। हालांकि आईपीएल का यह सीजन हैदराबाद के लिए कुछ खास नहीं रहा। 9 मैचों में से टीम ने 8 मैच गवा दिए। टीम को भारत में खेले गए पहले चरण में पंजाब के खिलाफ 9 विकेट से एकमात्र जीत मिली थी। वहीं हैदराबाद प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है। वार्नर की खराब फॉर्म और मिडिल ऑर्डर पर स्ट्राइक हिटर्स की कमी ने हैदराबाद को इस सीजन में काफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने पूरे समय सही बल्लेबाजी लाइनअप खोजने के लिए संघर्ष किया। मैच के बाद कप्तान केन विलियमसन ने कहा कि यह सीजन काफी निराशाजनक रहा। हमें उन एरिया की तलाश करने की जरूरत है जहां सुधार करना है। हम खेल के पहले हाफ से सीखने की कोशिश करते हैं। हैदराबाद को अब 5 मैच खेलने हैं और उसके सामने अगली चुनौती राजस्थान रॉयल्स की होगी। दोनों के बीच सोमवार को दुबई में मुकाबला खेला जाएगा। फिलहाल इतना ही। खेल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स आर।